सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 ओपनिंग डे पर शायद कोई खास बड़ा धमाका ना कर पाए, क्योंकि पिछले दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान और पठान के जरिए जो रिकॉर्ड बनाए हैं, दर्शक सीधे तौर पर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म को उससे कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या टाइगर 3 ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में जवान और पठान के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। सलमान खान की फिल्म 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और मेकर्स ने 8 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोल दी थी। फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो सलमान खान की फिल्म अभी शाहरुख खान की जवान से बहुत पीछे है। राज्यों में आधार पर देखे जाए तो फिल्म को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक और असम में मिल रहा है। फिल्म उत्तर प्रदेश में अभी तक 46 लाख रुपए कमा चुकी है और दिल्ली में इसने 1.2 करोड़ रुपए अभी तक कमाए हैं। फिल्म को देश में मौजूद कुछ सबसे एडवांस मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस बोले थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है। सलमान खान के फैंस इस फिल्म को IMAX से लेकर 4DX और ICE में भी देख पाएंगे। हालांकि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स इसे 2D थिएटर्स में मिल रहा है। एडवांस बुकिंग के आधार पर देखा जाए तो फिल्म का लगभग 10 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करना तय है। फिल्म के अभी तक 3 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो चुके हैं और इस आधार पर कहा जा सकता है कि फिल्म पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई निश्चित तौर पर कर गई। इस आधार पर अगर कहा जा सकता है कि फिल्म पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई निश्चित तौर पर करेगी।